हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मेरा मन है रिकॉर्ड करने का और मेरा मन नहीं भी रिकॉर्ड करने का। छोटी सी कहानी बताती हूँ, एकदम छोटी सी, एकदम छोटी सी। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। मुझे ना मेरा बचपन स्टैंडर्ड में ज़्यादा याद है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसा उतना याद नहीं है जितना फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसा याद है। प्रॉबली आई वॉज वेरी यूज टू दी स्कूल मैकेनिज्म, या मुझे बहुत बोला गया था कि थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसे, नाइन टेंथ के बच्चे ऐसे, यू गेट दी हायरार्की, राइट। तब क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मैं ज़रूरत से ज़्यादा चुलबुली थी, और जब मैं एक्टिव कह रही हूँ, मेरे एक्टिव का मतलब है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। सोशल नहीं है वो वर्ड, पता है वो वर्ड क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आज के दुनिया में उनको सोशल स्किल्स का एक हिस्सा बोला जाता है, बट ऐसे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है हमारे टाइम पर। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था क्लासिकल डांस कंपटीशन में। चौर देख रहे हो, हम कभी स्टेज पे नहीं चढ़े, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया है क्लासिकल डांस कंपटीशन में। मम्मी और दीदी परेशान, ठीक है अब इसको डांस सिखाना पड़ेगा। एक वाइट कलर का बहुत प्यारा सा श्रीदेवी जी का जो ड्रेस है ना चांदनी में, उसका ही एक सिल्क रेप्लिका बनाया था मेरे लिए। एंड स्टेज पे हम परफॉर्म कर रहे थे, ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पेंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ हुक स्टेप याद है, कुछ नहीं लगा था, चाइल्ड प्ले लगा था। मैं स्टेज पे गई, मैं डांस करके वापस आ गई। मुझे अवार्ड का टेंशन नहीं, मुझे कंपटीशन है इसका टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ स्टेज पे गई, मैं परफॉर्म की, वापस आ गई, डन। फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे एक एक इवेंट आता गया। फिर आया एक एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, मैं थी थर्ड स्टैंडर्ड में, और उस वक्त ब्लू हाउस से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें सुभाष चंद्र बोस जी की स्पीच रिसाइट करनी थी। द ओनली लाइन्स दैट आई रिमेम्बर इज ब्रेव सोल्जर्स टुडे वी ऑल आर हियर, खत्म। इसके आगे पूरी मेमोरी उस स्पीच की डॉट 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 में जाती है, और कहीं तो बीच में आता है योर नेम्स विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स, योर नेम्स विल बी कार्व्ड इन गोल्डन लेटर्स, गोल्डन लेटर्स, दैट्स इट। उतना ही याद है मुझे, और हम सेकंड प्राइज जीते थे। पूरा स्कूल उस वक्त मेरे तरफ देखने लगा एज एन इक्वली एक्टिव एंड केपेबल परफॉर्मर, आई गेस, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने वाली लड़की, बच्ची, प्लस मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, सो यू गेट द ड्रिल। टीचर्स फेवरेट, चिल्ड्रंस फेवरेट। मैं पर्सनली सिर्फ इस बात से खुश होती थी कि मैं उस स्टेज पे गई, मैंने कुछ किया और मैं वापस आ गई। पता है ये कंपटीशन वाला चीज जो है वो मुझे धीरे धीरे कब रियलाइज होने लगा। ऐसे ही इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते करते मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में, एक सिंगिंग कंपटीशन था। वो ऐसे था कि कोई था नहीं सिंगिंग करने के लिए, तो मेरा नाम सजेस्ट किया गया टीचर्स को कि ये लड़की ना बहुत अच्छा गाती है। उसके बाद मेरा गला बैठ गया, जैसे अभी बैठा हुआ है, यू गेट द वॉइस राइट, या एंड मैं नहीं गा सकती थी, बट फिर भी जेष्ठ मत का काड़ी खा करके हमने बोला हम स्टेज पे जाके गाएंगे। मैं स्टेज पे चढ़ी, सब लोग बहुत ऐसे आतुरता से देख रहे थे, हाँ अब शिला कौन सा गाना गाएगी। एंड जो गाना मैंने प्रैक्टिस किया था, पर्सनली वो गाना मुझे पसंद है, तो मैंने वही गा दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। होल्ड ऑन, मैंने इतना ही गाया और बाकी सारी लड़कियां, आई हैव नो आइडिया वॉट दे वर एक्सपेक्टिंग। उस दिन मुझे पता चला कि स्टेज पे जाके एम्बेरस होके वापस आना क्या होता है। स्टेज पे जाके उदास होना, मतलब डिसअपॉइंट होके वापस आना, या कुछ तो ठोकर खा के, फॉर नो अपेरेंट रीजन, बस ठोकर खा के वापस आना क्या होता है। तब से मैंने सोचा कि नहीं, हम स्टेज पर गाना तो नहीं गाएंगे उसके बाद से। बट डांस था तो मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना बंद कर दिया, मैं सिर्फ इवेंट्स में पार्ट लेती थी। कोई इवेंट हुआ, डांस कर रही हो, कोई गैदरिंग है, एनुअल पेरेंट्स डे का फंक्शन है, मैं लीड में, मैं डांस कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। और क्योंकि वो एज बहुत सेंसिटिव एज थी मेरी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक पकड़ लेते हैं, स्टेज बिकेम दी वन प्लेस इन माई लाइफ
जहाँ पे मैं अपने आप को एज एन आइडेंटिफाइड पर्सन महसूस कर रही थी। मैं स्कूल में, घर में होमवर्क दिन भर, मेरे घर में पढ़ाई करो वाला माहौल कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मली स्ट्रिक्ट था कि 5 मिनट इधर उधर दौड़ने की क्या ज़रूरत थी, उससे अच्छा 2 मार्क का पढ़ लेती तो 2 मार्क्स एग्जाम में मिल जाते। ये आई वॉज दैट इन माई चाइल्डहुड अलॉट। अभी तो खैर कम हो गया है, बट बचपन में बहुत सुना है। और मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेज बिकेम लाइक माई प्ले ग्राउंड, स्टेज बिकेम माई सेकेंड होम। बाद में मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई थी, तो पहले 1 साल तो मैं शॉक में थी, डिप्रेशन में थी, गुस्से में थी कि मुझे उस जगह से क्यों निकाला गया, और मुझे निकाल के ऐसी जगह क्यों डाला गया जहाँ पे मुझे ही अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। 1 साल तक तो मैं ऐसी सदमे में थी, एंड आई बीइंग माई सेल्फ वॉज नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट एरिया वेर आई हैड शिफ्टेड। जहाँ मैं पहले थी वहाँ पे मैं किसी इंग्लिश गाने पे ही मैंडेटरीली डांस कर सकती थी इवेंट पर। यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल टच, थोड़ा क्लासिकल टच, और टू बी मोर स्पेसिफिक थोड़ा फोक टच लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लाउनी सो स्टेज अलग था, लोग अलग थे, एटमॉस्फेयर अलग था, डांस फॉर्म अलग था, बट स्टेज पे मेरी जो खेलने की टेंडेंसी थी वो वैसी की वैसी ही थी, वो नहीं चेंज हुई। उन लोगों ने भी देखा, वाह ये लड़की डांस कर सकती है, ये लड़की स्टेज पे परफॉर्म कर सकती है। बहुत बार मुझे बोला जाता है कि डांस जब करते हो तो स्टेज कवर हो जाना चाहिए, परफॉर्म जब करते हैं तब आपका पूरा एक्सप्रेशन लास्ट के इंसान तक पहुंचना चाहिए, आप जब अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो तो काफी ग्रेस के साथ एक्सप्रेस करना पड़ता है ये सब। आई यूज टू बी लाइक ओके, हाँ मैं सुनती थी, मैं समझती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्रूशल पार्ट्स है। लेकिन जब मैं स्टेज पर पहुंचती थी इट वॉज लाइक मैजिक, ऐसा मैं जा रही हूँ स्टेज पे, आई एम जस्ट बींग माई सेल्फ, आई एम जस्ट इंजॉयिंग माई वे एंड आई कमिंग बैक। अगर मुझे रैंडमली बोला जाए, मैंने गाना सुन रखा है, मुझे गाना पता है, लेकिन मैंने डांस सेट नहीं किया है, कुछ भी फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं, सोलो हूँ मैं स्टेज पे। बोला जाता है कि जब सोलो डांस करते हैं तब स्टेज कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं जाती थी, मैं डांस करती थी, बहुत सारी तालियां सीटियां, गाना चाहे फेमस भी ना हो फिर भी ये अलग सा ही मैजिक था एक मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं बचपन से करते आई थी तो डांस करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी एज वगैरह बढ़ती गई, मैं स्कूल से, कॉलेज से हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, हाँ मैं डांस करती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा कि आई शुड बी मोर प्रोफेशनल रादर देन आई जस्ट इंजॉइंग द स्टेज एज इट इज़। और इसी वजह से, मतलब इस डर से कि अगर मैं स्टेज पर चली गई तो मैं बहुत जेनेरिक लगूंगी और मैं प्रोफेशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। लोग कहते हैं डांस एक्सप्रेस करने के लिए करना चाहिए, और जब एक्सप्रेस करने के लिए कोई डांस करता है तो वो रोस्ट हो जाता है, एंड मैं थोड़ा संभल गई था। और जब मैंने देखा कि प्रोफेशनल डांसर्स जो है, जो अपने बॉडी को कंपोज करना जानते हैं, जो अपने बॉडी का स्टेचर बहुत बढ़िया तरीके से रखना जानते हैं, इन लोगों को प्रोफेशनली एज अ डांसर बहुत सराहा जाएगा, एंड आई एम लाइक ठीक है, मे बी आई शुड गो बैक टू द बेसिक्स एंड जस्ट इम्प्रूव माई पॉस्चर एंड माई डांस एथिक्स एंड एवरीथिंग। तो उस चक्कर में ना मैंने धीरे धीरे डांस करना ही बंद कर दिया। लेकिन अगर आज भी मुझे बोला जाए कि आप स्टेज पर जाओ, स्टेज पर खड़े रहो, तो मेरे पास स्टेज फियर नहीं है। मैं 2 सेकंड के लिए शायद नर्वस हो जाऊँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे सामने वाले ऑडियंस को क्या देना है या क्या एक्सप्रेस करना है मुझे अपने आप को, आई थिंक इट्स वेरी सॉर्टेड देन। मुझे कॉम्पिटिशन में डालोगे ना, मुझे नहीं आता कॉम्पीट करना, कॉम्पिटिशन इज नॉट माई थिंग। मैं इवेंट्स में कर लूंगी कि लाइक हाँ भाई जश्न चल रहा है, सब लोग अपना अपना जश्न मना रहे, मैं भी अपना जश्न मना रही हूँ बस। और जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, जिन लोगों को एज अ कोट अनकोट डांसर समझा जाता है, वो कॉम्पिटिशन से ही तो उनका स्टैचर समझ में आता है ना कि हाँ ये केपेबल है किसी एक्सप्रेशन को पब्लिक में रखने के लिए या स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए। मुझे नहीं पता मैं आज वो कर सकती हूँ या नहीं। मैं तो बहुत बड़े शहर में नहीं रहती थी बचपन में, आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मेरी एल्डर सिस्टर जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आई मीन इफ माधुरी मैम एंड काजोल मैम हैड अ लव चाइल्ड, दैट्स माई सिस्टर, दैट्स एग्जैक्टली माई सिस्टर। शी डिडंट वॉन्टेड टू गो इन टू द इंडस्ट्री, बट क्योंकि मुंबई में नहीं रह रहे हैं, मेरा हर समर वेकेशन मुंबई में ही स्पेंड होता था। रीजन बहुत सिंपल था, डायरेक्टर्स के नंबर्स पकड़ो रूबीना फिल्म डायरेक्टरी से, और वहाँ पे
जितनों को कॉल किया, जितनों ने कहा कि हाँ ठीक है आप आ जाओ ऑडिशन देने, या आप ठीक है आपका पोर्टफोलियो लेके आ जाओ, चले जाओ वहाँ पे। और हम अलग अलग ऑफिसेस में जाके हमारे पोर्टफोलियो सबमिट करके वापस आ जाते थे, एंड कास्टिंग का उसमें कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरी दीदी होती थी, मैं होती थी, मम्मी होती थी, पापा होते थे, सारे फैमिली के मेम्बर्स एक साथ जा रहे हैं उसके ख्वाब पूरे करने की इच्छा में। बट थ्रू आउट दीज थिंग्स, क्योंकि हमारे एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है, हमारे एक प्रोफाइल चाहिए होता है, तो मेरी दीदी वो उस वक्त नहीं, लोकल केबल्स होते थे, हर एक शहर का अपना एक लोकल कनेक्शन देने वाला होता था, और उसका खुद का एक चैनल होता था, और उस चैनल पे कुछ ऐड हो रहा है, कभी कुछ हाउसी लाइव हो रहा है, कभी कुछ छोटे मोटे लोकल ऐड्स आ रहे हैं। माई सिस्टर वॉज अ पायनियर ऑफ दैट लोकल एरिया में, शी वॉज वन ऑफ द टॉप मॉडल्स आई रिमेम्बर। तो मेरी दीदी का कैमरा के साथ बहुत प्यारा रिश्ता था, शी न्यू हाउ टू पोज सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, उसको पता था कि कैमरा किस तरीके से बर्ताव करता है, कैमरा किस तरीके से कैप्चर करता है, एटलीस्ट शी हैड सम गेस्ट ऑफ इट। मैं नहीं, मैं ऐसी, मैं स्टेज से ज्यादा अटैच थी ना, मैं कैमरा से उतना अटैच नहीं थी। तो ऐसे ही ऑडिशन करते करते मेरी दीदी ने मूवी का रोल बैक भी किया था, लेकिन वो मूवी शेल्व हो गई, मतलब शेल्व छोड़ो, स्टार्ट भी नहीं हुई। शी वॉज 17 एट दैट टाइम, एंड मुझे भी बोला गया था कि हाँ ठीक है आप ऑडिशन दो, चलो आ जाओ, मैं 11 साल की, और मुझे बोला गया था कि आप बोलो कि मेरी गुड़िया मुझसे रूठ गई है। मेरे पास 20-20 बार भी डॉल्स थे, ठीक है आई नॉट डिनाई, मैं बहुत ही रईस खानदान से नहीं हूँ, लेकिन मैं घर वालों के पीछे बहुत लगती थी, क्योंकि मुझे प्रिंसेस वाली दुनिया बहुत प्यारी लगती थी, एंड आई यूज टू बी लाइक मेरे को बारबी डॉल चाहिए, लेके भी देते थे घर वाले, तो 20 बार डॉल्स आराम से थे मेरे पास। बट आई हैड नो क्लू कि गुड़िया रूठ जाने का मतलब क्या होता है। रिमेम्बर आई एम इन 6th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, और तब तक मेरा गुड़िया खेलने का उम्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और मुझे पता भी नहीं है कि गुड़िया रोने का मतलब क्या होता है। आज लग रहा है एक बार जिस इंसान ने मुझे वो क्यू दिया था, मुझे उससे जाके पूछना चाहिए था कि गुड़िया रूठने का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं आता, मैं बस वहां पे जा रही हूँ, मैं बहुत ही चाइल्डिश स्टूपिड बच्चे की तरह कुछ तो करके आ गई हूँ, यहाँ पे वाइट शीट, वहां पे वाइट शीट, बड़ा बड़ा ऐसा मैदान, वहां से डायरेक्टर मेरे क्यू के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाजू में एक आदमी खड़ा है जिसने मुझे बोला था कि हाँ आपको इस क्यू पे काम करना है, अब लग रहा है पूछ लेना चाहिए था, काम आता आज। खैर उसके बाद कैमरा से मेरा उतना कुछ खास ताल्लुक रहा नहीं, ज्यादा से ज्यादा फैमिली वीडियो, पप्पा वीडियो शूट कर रहे हैं, दीदी वीडियो शूट करी है, या उसका कोई तो ऐड चल रहा है और वहां पे हम बस जाके देख रहे हैं, भाई नज़ारे कितने सुंदर है, दैट्स इट। उसके बाद मेरा कैमरा से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, मतलब यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, तो फेमस होने लग गए, आज लगता है आना चाहिए था कैमरा, शायद जितनी प्लेफुल मैं स्टेज को लेकर हूँ, कैमरा को लेकर भी उतनी हो जाती। आज लग रहा है कि थोड़ी सी फिल्म मेकिंग सीख लेती, थोड़ा सा समझ लेती कि कैसे एंगल में, कैसे फोटोज, कैसे वीडियोज, कैसा आता है सब कुछ। मुझे एक बात बताओ, स्टेज होता है ऐसा ओपन, ऑडियंस होती है दूर तक बैठी हुई, मेरे पूरे हाथ में ऐसा फैला दूं ना, मैं इतनी सी दिखूं स्टेज पर, इतनी सी, और मैं खुल के परफॉर्म करूं, वो मेरा प्लेग्राउंड है, मैं खेल रही हूँ वहां पे लिटरली। आई मीन यस, वहां पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना जरूरी है, स्टेज इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे आप नीचे गिर नहीं सकते, जहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, लाइटिंग कैसे आ रही है, कहाँ तक आपका व्यू है, आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ से आना है, इन केस इफ यू आर यू नो मॉडलिंग ऑन स्टेज, राइट, या अगर आप एंकरिंग भी कर रहे हो, यू हैव टू बी रियली कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर होस्टिंग द शो, हाउ यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। फिर अगर आप प्रोफेशनल डांसर भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां तक आपका कौन सा हैंड एक्सप्रेशन पहुंचना जरूरी है, या किस तरीके से आपका जो भी इफ यू आर यू नो इन अ ग्रुप, तो ग्रुप परफॉर्मेंस के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उतने तो भी वहां पे मेंटेन करने आने चाहिए, सो दैट अ शो इज बीइंग पुट प्रॉपरली। आई नो ऑल ऑफ दीस थिंग्स, स्टेज का मैं समझ सकती हूँ और मैं उसके अंदर जाके सॉल्व भी कर सकती हूँ, लेकिन कैमरा के सामने बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं शायद कुछ हाथ वात कर रही होंगी, एंड यू विल बी लाइक ये अचानक ऐसा क्यों कर रही है, इस तरीके से क्यों बात कर रही है, उसके चेहरे पे आड़े ही क्यों है हमेशा, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, फियर नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल में मैं कहीं कम गिर रही हूँ। सो मुझे ना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे या देखेंगे भी नहीं, या कुछ लोग देखेंगे मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे क्या बड़बड़ कर रही है, बंद करो। आई नो
यू कम ऑन दी स्क्रीन जस्ट टू सी एंटरटेनमेंट, और अभी तो अटेंशन स्पैन भी कम होते जा रहे हैं, सो 15 सेकेंड में तुमको ढेर सारा एंटरटेनमेंट देना मजाक की बात नहीं है, ठीक है? वाह, वो एंटरटेनमेंट वाला एक शो आता था, फराह खान और अनु मलिक होस्ट करते थे, देखो 1 मिनट में यू हैव टू एंटरटेन दी ऑडियंस। एग्जैक्टली, वो इसी का प्रीडिसेसर था, तुमको वही करना था, वो तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड था। चलो एक अच्छी बात है, आज मैं ना कैमरा के सामने ना ऐसे हंस नहीं रही हूँ हर छोटी छोटी बात पे। खुशी नहीं मना रही उस बात की कि हाँ मैं कैमरा के सामने ना एटलीस्ट बात कर रही हूँ। चलो आई एम एटलीस्ट टॉकिंग, वो नहीं कर रही हूँ मैं तो। हाँ ये है, ये डिफरेंस है। सो अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे स्टेज फियर नहीं है लेकिन मुझे कैमरा फियर है, मैं समझ सकती हूँ उसको। स्पेस कन्फाइनमेंट और कैमरा ही उसका ऑडियंस है, और कैमरा ही उसका यू नो बॉर्डर लाइन है, और कैमरा ही उसका स्टेज है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये उसका स्टेज है, इतना इतनो सा स्टेज है उसका, ठीक है? और ये लेंस ऑडियंस है। चैलेंजिंग टास्क है, देखो सिनेमाटोग्राफी, इतने से फ्रेम में आपको ढेर सारा कहानी बताना है। स्टेज में 3D तो भी आता है ना, ओके, पिक्चर स्टेज की चीज कैमरा पे रख सकते हो। कैमरा की चीज स्टेज पे बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। स्टेज के लिए बहुत अलग टाइप की तैयारी देखी है मैंने, कैमरा में जो रिप्रेजेंट किया है वो उसके तो बहुत ही अलग होता है। तो आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, बट ये है। देर इज अ डिफरेंस एंड देर इज अ वॉइड विद इन माई सेल्फ। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ भरने की, होपफुली भर पाऊँ। चलो, बैटरी डेड हो रहा है, बाय।